पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में भाजपा के बुद्धि विहार स्थित जिला कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान देशभक्ति के तराने गूंजे। पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इस दौरान कहा कि आज देश तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं, जो विकास में सहायक है। कोविड-19 के दौरान देश ने तमाम संकट झेले, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट से केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों से समस्याओं पर काबू पाया जा सका। जितना विकास पूर्व की सरकारों में नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा विकास अब दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में 4 साल में तेजी से बदलाव हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर, कमल गुलाटी, श्याम बिहारी शर्मा, संजय ढाका, राहुल सेठी, चंद्र कुमार प्रजापति समेत तमाम भाजपा के नेता मौजूद रहे। पचहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस है। भारत सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में इसको पूरे वर्ष मनाने का संकल्प लिया है। हर देशवासी गौरवान्वित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्र में, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सबल और सक्षम नेतृत्व में राष्ट्र का और प्रदेश का समुचित विकास हमारा संकल्प है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर ये भारत के और प्रदेश की नई इमारत लिखने का हम सब लोग काम कर रहे हैं, और हम पूरी नियम और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करते हुए आगामी चुनाव में जाकर अगली बार इससे भी अधिक बहुमत की सरकार बना के फिर भारत माता की सेवा में अपने को समर्पित करेंगे। दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आज पूरा भारत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, और ये बड़े गर्व की बात है। आज 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में बड़ा खुशी का महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और अभी जैसे हमारे मंत्री ने बताया कि अब हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश आगे बढ़ा है, उसके लिए भी हम उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अपने देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी महानगर वासियों, प्रदेश वासियों और सभी भारत वासियों को बहुत बहुत बधाई, और इसको भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव के रूप में इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को बना रही है। इसी के उपलक्ष्य में सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज जो है पूरे भारत में 15 अगस्त का दिन है आज, और स्वतंत्रता दिवस में हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे झंडा लहराया है, और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और ये मैसेज हम पूरे यूपी और पूरे भारत में अपनी तरफ से और पूरे कार्यकर्ता जोर लगा रहे हैं, क्योंकि 2022 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।